माँ केवल अपना कार्य करती है, वो कुछ कहती नहीं है। बालक को कहने की अपेक्षा स्वयं अपने जीवन को ऐसा ढाल लो कि वो देख देख करके ऐसा बन जाए। यदि तुम्हारे घर में रोज आरती होती है, पूजा होती है, तो बालक को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी न कभी आके पूजा में बैठ ही जाता है। यदि तुम स्वयं उठ करके रोज माता पिता के चरण छूते हो तो बालक को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी किसी न किसी दिन देखेगा और जब उसकी समझ में आएगी तो वो स्वयं झुक जाएगा। और तुम कभी पैर न छुओ और बच्चे के कान पकड़ते रहो, पैर छुओ पैर छुओ, तुम कहो कुछ मत, तुम अपने आप को बना लो कि वो तुम्हें देख देख करके, क्योंकि कहे को कम सुना जाता है और देखने जिसको हम देखते हैं वो जल्दी जीवन में धारण होता है। इसलिए आज फिल्मों का ज्यादा असर होता है और कथाओं का कम असर हो रहा है, क्योंकि कथाएं दिखाई नहीं जाती, कथाएं सुनाई जा रही हैं और फिल्में आपके सामने एक चित्र बनाकर दिखाया जा रहा है। वहां आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो वो सब आपके भीतर जल्दी से जल्दी जा रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल हो गया है आज। मैं तो यही निवेदन करूंगी, स्वयं बनो, हम बदलेंगे, जग बदलेगा और हम सुधरेंगे। एक बाप कभी ऐसा सोच के मेरे पास तो आज तक नहीं आया कि हम एक अच्छे बाप कैसे बने। वो कहते हैं हमारी संतान अच्छी नहीं, वो अच्छी कैसे बने। हम दूसरे को बनाने में बड़ा बहुत आनंद महसूस करते हैं, दूसरा कैसे बने। कभी कोई बालक ये कहने के लिए नहीं आया कि मैं स्वयं एक अच्छा बेटा कैसे बनूं। वो कहता है मेरे पिता अच्छे नहीं है, उनको कैसे बदलूं। एक पत्नी ने कभी नहीं कहा मुझसे आकर के कि मैं कैसे एक अच्छी पत्नी बन सकूं। वो कहती है मेरे पति मेरे वश में नहीं है, कैसे वश में करूं उनको। यही बात है ना, लोग दूसरों के लिए प्रश्न ले लेकर, दूसरों की जिंदगी के ठेकेदार हो आप, अपने लिए कुछ कहो तो वो आगे काम आए। मेरे पास तो जो भी आता है मुझे लगता है ऐसे ही आता, अपनी कमी कोई लेकर नहीं आता। पत्नी को पति के अंदर कमी लगती है, पत्नी पति को पत्नी के अंदर, बच्चों को बड़ों के अंदर, बड़ों को बच्चों, हम सब दूसरों की कमियों में खोजने लगे, कहां इसकी कमी पकड़े और कमी को पकड़ करके हम दिखाएं कि तुम यहां गलत हो। दूसरे को हम किस क्षण गलत साबित कर सके इसके लिए पूरा प्रयत्न है और स्वयं को सही साबित करने का कोई हमारे पास समाधान नहीं है। आज से चिंतन बदलो, सोच बदलो, अब ऐसा मन में जीवन में ऐसा एक वातावरण बनाओ कि हमें स्वयं कैसे अच्छा होना है, हम स्वयं कैसे अच्छे बन सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी लो, कुछ मत कहो बच्चों को, बच्चों को कहने से अपेक्षा तुम स्वयं के जीवन को ढालो। वो जब 15 वर्ष का होगा, 10 से ऊपर का होगा, तब तो तुम उसको बदलने का प्रयास छोड़ ही देना। शुरुआत में एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता है कि मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छा है लेकिन बड़ा बेटा शराब पीता है। मैं तो पीता नहीं हूं लेकिन वो कैसे पीने लग गया ये मैं समझ नहीं पा रहा, छोटा नहीं पीता बड़ा पीता। तो आपने, आप शराब नहीं पीते? नहीं मैं नहीं पीता। आप ध्यान करो कभी पी? नहीं पी तो नहीं, लेकिन हाँ जब उस समय तो पी थी, जब ये बड़ा बालक हुआ नहीं था उससे पहले तो पीता था। मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, पर ये तो मैंने चिंतन किया ही नहीं।
मैं सोचता रहा कि ये इसके अंदर वो चीजें कहाँ से कब प्रवेश कर गई। मेरे तो ध्यान में ही नहीं था। मैं सोचता था ये छोटा इतना अच्छा है और बड़ा इससे अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये गलती ये कहाँ से प्रकट हो गई। तो मुझे ध्यान आता है कि जब ये हुआ नहीं था उससे पहले मैं कभी कभार पी लेता था। तो वो संस्कार किसी न किसी रूप में बीज रूप में समाहित हो गए। और आप जितने भर अच्छे हो वो अच्छाइयों से दब सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कहीं वैसा वातावरण मिलेगा तो फिर से वो अंकुरित होने लगेंगे, उनको बाहर निकलने में ज्यादा देर